जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो बेटा चैप्टर अपने आप में कहाँ से स्टार्ट होता है? चार्ज से। चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? चार्ज से, ठीक है ना। सो व्हेनेवर वी स्टार्ट ऑफ विद द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? चार्ज से। हम लोग चार्ज को कैसे डिफाइन करते हैं? हम लोग चार्ज को डिफाइन करते हैं एज दैट फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर, दैट फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट इलेक्ट्रिकली विथ ईच अदर। ठीक है, तो हम लोग जब चार्ज की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं चार्ज एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकली इंटरैक्ट करते हैं। जब हम लोग चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज जो रहता है इसको हम लोग फिजिक्स में कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय क्यू, कैपिटल लेटर क्यू से इसको हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, ठीक है ना। क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला क्यू इक्वल्स टू एन ई कहाँ से निकल कर आता है? ये फॉर्मूला क्यू इक्वल्स टू एन ई निकल कर आता है चार्ज की क्वांटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी पर। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, उसमें से हम लोग पढ़ेंगे दैट चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? दैट चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। तो जो क्वांटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, उसकी वजह से हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं दैट क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। ओके, नाउ सिंपल सा लॉजिक है, व्हेन वी राइट क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, यहाँ पर क्यू क्या होता है? चार्ज। एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ई क्या होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, विच इज जिसका वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूल। नाउ यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है बेटा? यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, ठीक है। चार्ज की चार मेजर प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी लाइक चार्जेस रिपेल, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। जो सेकेंड चार्ज की प्रॉपर्टी होती है वो होती है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी होती है दैट चार्जेस आर कंजर्व्ड, और चौथी चौथी प्रॉपर्टी होती है चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, तो हमने सबसे पहला बात बोली क्या? दैट लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ बेटा? इस प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या बोलेगा? चल भाग। क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से क्या करेंगे? दूर जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव को भी क्या बोलेगा? चल भाग।
और लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या बोलेगा? आ जा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो चार्जेस हैं पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव से दूर जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव से भी क्या जाएगा, दूर जाएगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट चीज है बेटा, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, इस बात का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब ये होता है कि जैसे आप मैथ्स के नंबर को एडलेस करते हो, वैसे ही आप चार्जेस को भी क्या कर सकते हो, एडलेस कर सकते हो। चार्जेस कैन बी एडेड लाइक मैथ्स इंटीजर्स। ठीक है, जिस तरीके से मैथ्स में हम लोग इंटीजर्स को क्या कर सकते हैं, एडलेस कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग चार्जेस को भी क्या कर सकते हैं, एडलेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? तीसरी प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने लिखी वो था बेटा चार्जेस आर कंजर्व, जिसका मतलब क्या था, दैट चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड, चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। चार्ज को हम लोग एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही हम लोग चार्ज क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग चार्ज डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है चार्जेस आर क्वांटाइज, मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा होल नंबर में ही ट्रांसफर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लोगों ने जो चार्ज का फॉर्मूला लिखा है, दैट क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस वुड ऑलवेज बी अ होल नंबर, दिस वुड ऑलवेज बी अ होल नंबर। इज इट क्लियर एवरीवन? चलो अब देखो बेटा ध्यान से, हम लोग आ रहे हैं काय पे, करंट पे। जब हम लोग करंट को डिफाइन करते हैं तो हम लोग करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब हम लोग को किसको डिफाइन करना होता है, करंट को डिफाइन करना होता है, तो हम लोग करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग करंट को डिफाइन करते हैं एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, या फिर हम लोग इसको चाहें तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, दैट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। एक कंडक्टर से एक गिवन टाइम में गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा, और उसे हम लोग बोलेंगे क्या, करंट। ठीक है, करंट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर आई से, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय आई, सच दैट आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी। ठीक है ना, यहां पर क्यू क्या है, चार्ज, और टी क्या है, टाइम। अब बेटा ऐसे केस में सिंपल सा लॉजिक है, आप चाहो तो क्यू को क्या लिख सकते हो, एनी, अभी ऊपर ही पड़ा, क्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एनी। तो इस तरह से मेरा करंट के मेरे पास कितने फॉर्मूले हो जाएंगे, दो, एक तो क्यू बाय टी और दूसरा एनी अपॉन में। ठीक,
अब जब हम लोग बात करते हैं करंट की यूनिट की, तो हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। वन एम्पियर इज इक्वल्स टू वन कूलम अपॉन में वन सेकेंड। क्या किया? करंट की यूनिट थी एम्पियर, ठीक है ना। चार्ज की यूनिट थी कूलम, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड्स। तो तीनों चीजों को एज इट इज लिख दिया। क्यों करी ये सारी कहानी? ये कहानी करने की जरूरत ये थी बेटा, अभी हम लोग जब एम्पेयर को डिफाइन करेंगे तो हम लोगों ने क्या करा, सब चीजों को वन बना दिया। हम लोगों ने क्या करा, सब चीजों को वन करा दिए, कर दिया। और अब एम्पेयर का डिफाइन क्या होगा? वन एम्पेयर इज द करंट, वन एम्पेयर is the current that flows through a conductor, that flows through a conductor when a charge of 1 coulomb flows through it, flows through it in 1 second। तो हम लोगों ने क्या करा, करंट की यूनिट की डेफिनेशन के लिए हर चीज को क्या बना दिया, वन। वन एम्पेयर इज द करंट दैट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर व्हेन वन कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 second। क्लियर? चलो, जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग को पढ़ना है वो किसका कंसेप्ट है बेटा? वो है पोटेंशियल का कंसेप्ट। वो किसका कंसेप्ट है? पोटेंशियल का, ठीक है ना। जब हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं तो पोटेंशियल अपने आप में क्या होता है, एक तरीके का वर्क डन होता है। पोटेंशियल अपने आप में क्या होता है, एक तरीके का वर्क डन, ठीक है। तो जब हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, तो हम लोग को डिफाइन करते हैं क्या, पोटेंशियल को, ठीक है। तो हम लोग दो चीजें साथ में डिफाइन करेंगे, एक पोटेंशियल और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग दो चीजों को एक साथ स्टडी करेंगे, फर्स्ट बीइंग पोटेंशियल एंड सेकंड बीइंग पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे तो हम लोग बोलेंगे इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, to bring a unit positive charge from infinity to a given point, from infinity to a given point, ठीक है ना। जब हम लोग potential को define करेंगे तो फिर से बोलेंगे तो उसको भी work done है क्या, it is the work done to bring a unit positive charge from one point to another point ठीक है। क्या फर्क है दोनों में बेटा? फर्क सिर्फ इतना सा है कि जब हम लोग एक चार्ज क्यू किसी जगह पे रखेंगे तो वो चार्ज क्यू क्या करेगा, अपने आसपास के गिवन एरिया तक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएगा। जिस गिवन एरिया तक ये चार्ज बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएगा, इस गिवन एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया जहां पर ये चार्ज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रहा है, इस गिवन एरिया को हम लोग इस चार्ज की क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। क्लियर है? ये सुनो, ठीक है। अब ये जो चार्ज की हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, इसमें क्या होगा, इससे बहुत दूर
इन्फिनिटी पे हम लोगों ने एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा था क्यू, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको हम लोगों ने कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे। अब जब ये चार्ज इन्फिनिटी से, अब जब ये चार्ज इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक आएगा तो अपने आप तो आएगा नहीं, इसको यहाँ इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ काम। तो जो वर्क डन हम लोग करेंगे इस चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक ले जाने के लिए, उस वर्क डन को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय वी। चाहे पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, बोथ आर डिनोटेड बाय वी। ठीक है, अब ये तो हुई किसकी बात, पोटेंशियल की। और यहां तक जो वर्क डन लगा उस वर्क डन को मैंने बोल दिया वी पी। लेकिन यही इसी इंफिनिटी से अगर इसी चार्ज को मुझे पॉइंट, इसी चार्ज को मुझे पॉइंट एक्स तक ले जाना पड़ता, तो यहाँ की पोटेंशियल को मैं क्या बोलती, वी एक्स बोलती। क्या कहती, वी एक्स। क्योंकि यहां तक ले जाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ वर्क तो करना होगा, और जो वर्क किया उसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, पोटेंशियल। जो वर्क किया उसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, पोटेंशियल। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे वर्क डन को नाम दिया पोटेंशियल, और मैंने बोला कि इसको इन्फिनिटी से पी तक ले जाने के लिए इतना काम करना पड़ा, इसे इन्फिनिटी से एक्स तक ले जाने के लिए इतना काम करना पड़ा, तो इसको पॉइंट पी से लेकर एक्स तक ले जाने में कितना काम करना पड़ा होगा। तो इसको पॉइंट पी से लेके एक्स तक ले जाने के लिए जो काम करना पड़ा होगा उसे हम लोग बोलेंगे वर्क पी एक्स, विच इज इक्वल्स टू वी एक्स माइनस वी पी। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? ओके, जो नेक्स्ट चीज हमें समझनी है वो समझनी है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। पहली बात, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल दोनों ही किससे डिनोट होते हैं, वी से। यूनिट क्या होती है इनकी, वोल्ट, डिनोटेड बाय कैपिटल वी। यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट, जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको कैपिटल वी से डिनोट करेंगे तो वी का फॉर्मूला क्या होगा, V का फॉर्मूला होगा V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, दैट इज W बाय Q। अब क्योंकि इसकी यूनिट वोल्ट होती है, क्योंकि इसकी यूनिट वोल्ट होती है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलम, 1 जूल अपॉन में 1 कूलम। ठीक है, अब हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज।